दिक्कत हमारी यही है कि हमारे बच्चे भी अनपढ़ ही है इसकी वजह से, दरिया की वजह से अनपढ़ इसलिए हैं कि हम बच्चों को क्रॉस ही नहीं करवा पाते हैं। बरसात में तो इतना पानी रहता है, महीनों तक हम कुछ खाने का नहीं ला पाते हैं घर में, और ना हमारे बच्चे स्कूल जा पाते हैं। सर, इसी गांव में रहता हूं, और सबसे पहले आपने देखा जहां पे आकर ये जो दरिया का मसला है बहुत बड़ा मसला है हमारे लोगों के लिए। जो लोग इस आमली में रहते हैं, इस टापू में रहते हैं, बरसात के दिनों में इतना बुरा हाल होता है कि हम उस भगवान के सहारे ही जहाँ जीते हैं, और ये दरिया हमारे टोटली कट ऑफ करता है। ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना कोई एजुकेशन फैसिलिटी है, जो भी फैसिलिटी है इस दरिया के पार है, और इस दरिया को क्रॉस करके हमें जाना पड़ता है। कोई शादी का अरेंजमेंट करना हो इस दरिया के पार करना पड़ता है, कोई एजुकेशन प्राप्त करनी हो इस दरिया को पार करना पड़ता है, कोई अगर हमने कोई भी काम करना इस दरिया को पार करना पड़ता है। हम आपके मीडिया के माध्यम से गवर्नर मोदी से अपील करना चाहते हैं कि जहाँ तो खुद विजिट करें, जहाँ इस दरिया के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढें। हम बहुत बड़ा ब्रिज तो नहीं चाहते, लेकिन एक स्टील ब्रिज ही बन जाए, ताकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चों का भविष्य है वो उज्जवल हो सके, क्योंकि एजुकेशन है तो सब कुछ है।